हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू भौकट एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये कुछ बातें समझेंगे। देखिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक है और बी एक्स का गुणांक है तथा सी अचर पद है। इसमें कहा गया है कि जो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है वो ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी अचर पद है। अचर पद यानी जिसका मान स्थिर हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, अचर पद है। इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। अब इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है। अब देखिए, लिखा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो। कहा गया है कि अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तब शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है अल्फा और बीटा, इनका योगफल क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस बी बटे ए के। ठीक है, जहाँ पर ये जो बी है वो क्या है एक्स का गुणांक। देखिए, बी एक्स का गुणांक है, ठीक है, और ये जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। तो ये ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्य क्या है अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा सी बटे ए के, जहाँ पर ये जो सी है वो अचर पद है, ये सी अचर पद है। ठीक है, और जो ये ए है वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमें ये द्विघात बहुपद दिए गए हैं, हमें इनके शून्यक निकालने हैं और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x - 8। तो देखिए, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है, -8। ठीक है, अब -8 को हम एक्स स्क्वेयर के गुणांक से गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है यहाँ पर, 1। तो 1 और -8 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पर तो -8 आए और जोड़ने या घटाने पे -2 आए। तो देखिए, 4 × 8, ठीक है, 4 × 8। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, -2। तो यानी यहाँ 4 के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन और प्लस के 2। तो देखिए, -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, -4 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर क्या है, x। तो इनके साथ हम x लगा देंगे, यानी -4x और 2x। तो देखिए, एक्स स्क्वेयर मैंने ऐसे ही लिखा, फिर -4x + 2x और -8। अब देखिए, हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, x की घात 2 है, यानी यहाँ x 2 बार गुणा हुआ है और यहाँ है x की घात 1। तो देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। तो देखिए, इनमें से 1x जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब क्या रह जाएगा अंदर, देखिए 2x थे, 1x कॉमन आ गया, तो 1x रह गया यहाँ, फिर -4, क्योंकि x तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, फिर देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 और 8 दोनों कट जाएं। तो देखिए, 2 और 8 दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 × 2, 2 × 8, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह गया अंदर, x, फिर माइनस का साइन। ठीक है, अब देखिए जो हम कॉमन लेते हैं ना उससे भाग करते हैं, तो देखिए 2 से 8 को भाग करेंगे, कितने पे गया, 2 × 8। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 4 यहाँ भी है और एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, तो एक्स माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो जब एक्स माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या रह गया यहाँ पर, x + 2। देखिए, इसके ये गुणनखंड आ गए। अब क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 को बराबर रखा 0 के और x प्लस 2 को भी बराबर रख दिया 0 के। ठीक है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x को मैं यही रहने दूंगी,
देखिए, चार जो है माइनस का, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी देखिए, एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स को ये रहने दूंगी, दो को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए, दो प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस दो, ठीक है। तो देखिए, इसके शून्य के आगे चार और माइनस दो, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ के शून्य चार और माइनस दो है। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो अब हमें शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शून्य को का योगफल निकालेंगे। शून्य क्या है, चार और माइनस दो, इनका योगफल निकालना। तो इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए, चार प्लस ब्रैकेट में माइनस दो, ठीक है। फिर देखिए, चार ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस और दो, चार में से दो माइनस करेंगे, क्या आ गया, दो। तो शून्य को का योगफल क्या आया, दो। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि जब इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए के, जहां पर ये जो बी है वो एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी शून्य को का योगफल जो है वो बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें यहाँ पर यही जांच करनी है कि जो हमने अभी शून्य को का योगफल निकाला जो कि दो आया, क्या वो बराबर है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटे ए के बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए, माइनस ऐसे लिखा, एक्स का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस दो, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस दो। फिर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, यहाँ क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, दो। तो देखिए, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी दो आ रहा है और ये भी दो आ रहा है। अब हम शून्य को का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। शून्य क्या है, चार और माइनस दो, तो इनका गुणनफल कैसा आएगा, इन्हें गुणा कर देंगे, चार गुणा ब्रैकेट में माइनस दो, इन्हें गुणा करेंगे, तो इन्हें गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस आठ आ जाएगा, ठीक है। तो शून्य को का गुणनफल क्या आ गया, माइनस आठ। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर इस द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो, तब शून्य को का गुणनफल अल्फा और बीटा बराबर होगा सी बटे ए के। तो देखिए, चार और माइनस दो को गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस आठ। तो शून्य को का गुणनफल क्या आ गया, माइनस आठ। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर इस द्विघात बहुपद के शून्य जब अल्फा और बीटा हो, तब शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा सी बटे ए के, जहाँ पर ये जो सी है वो अचर पद है और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी शून्य को का जो गुणनफल है वो बराबर होगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हमें यही जांच करनी है कि जो अभी हमने शून्य को का गुणनफल निकाला जो कि माइनस आठ आया, क्या वो बराबर आ रहा है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक के। तो देखिए, शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए के होगा, जहां पर जी सी अचर पद है और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। अब देखिए, इस बहुपद में अचर पद कौन सा है, माइनस आठ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आठ बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, तो यानी क्या आ गया, बटे में एक, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, माइनस एट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी माइनस एट आ रहा है और ये भी माइनस एट आ रहा है, दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे देखिए, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट देखिए, हमें बहुपद दिया गया चार एस स्क्वायर माइनस चार एस प्लस एक, ठीक है। तो देखिए, हमें इसके शून्य निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके गुणनफल निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर अचर पद क्या है, प्लस एक, ठीक है, और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, चार। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, चार और एक को गुणा करेंगे, क्या आएगा, चार एकम चार आया, ठीक है। अब हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो चार आए, पर जोड़ने या घटाने पे माइनस चार आए। तो देखिए, दो दुनी चार, पर हमें देखिए माइनस चार चाहिए, तो यानी ये दोनों माइनस में होने चाहिए, माइनस दो माइनस दो कितना आ जाएगा, माइनस चार। और इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दो दुनी चार और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, प्लस के चार, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो चर है वो क्या है, एस है, तो यानी इनके साथ हम एस लगा देंगे, माइनस दो एस और माइनस दो एस।
ठीक है, तो अब देखिए 4s² ऐसे लिखा, फिर माइनस 2s, फिर माइनस 2s और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ये दोनों कट जाएं। तो देखिए ये दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इनमें तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एस की घात 2 है और यहाँ एस की घात 1 है, यानी यहाँ 2s है और यहाँ 1s है, तो मैंने 1s कॉमन ले लिया। तब देखिए अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जो हम कॉमन लेते हैं उससे इन्हें भाग दे देंगे। तो देखिए 4 को 2 से भाग देंगे, कितने पे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ 2s थे, 1s मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर 1s रह गया, फिर माइनस 2 से 2 कट जाएगा और ये s तो हमने बाहर कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तब 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो ये -1 कॉमन आ गया, तो अब अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया, 2s, ठीक है। अब देखिए क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है तो जो अंदर है साइन बदल जाएगा, ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा और फिर ये 1, ठीक है। अब देखिए 2s-1 यहाँ भी है और 2s-1 यहाँ भी है, तो 2s-1 कॉमन आ जाएगा, 2s-1 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, 2s-1 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके गुणनखंड निकाल लिए, अब हमें शून्यक निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो 2s-1 को 0 के बराबर रखा और इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मुझे यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो देखिए ये 2s मैं यही रहने दूंगी, ठीक है। अब -1 है, इसे बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। एस की वैल्यू निकालें तो एस को तो मैं यही रहने दूंगी, 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 2 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये -1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो 2s ऐसे ही लिखा और यहाँ क्या आ गया, प्लस का 1। एस की वैल्यू निकालनी है तो एस को तो मैं यही रहने दूंगी और 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 2 जो है गुणा में है यहाँ, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, आ गया 1/2। तो देखिए इसके शून्य क्या आ गए, 1/2 और 1/2। तो 4s² - 4s+1 के शून्य 1/2 और 1/2 है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। अब देखिए शून्य को का योगफल निकालेंगे पहले, तो देखिए शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, इनका योगफल निकाला था, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 + 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब इस 2 से 2 को भाग दे देंगे, तो कितने पे कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 1 पे जा रहा है, 1 से ऊपर वाले 1 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, फिर प्लस 2 से 2 को भाग देंगे, कितने पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 पे कटा, ठीक है। फिर 1 से 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 + 1 कितना आ गया, 2/2 में क्या है, 2, ये दोनों 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आ गया, 1। तो शून्यकों का योगफल क्या आया, 1। अब देखिए हमें पता है कि जब द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, ठीक है। जहाँ पर जो b है वो x का गुणांक है, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, s है, ठीक है। तो b जो है वो s का गुणांक है और जो a है वो x² का गुणांक है, ठीक है। अब देखिए माइनस मैंने ऐसे लिखा, s का गुणांक क्या है, s का गुणांक है -4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4, फिर बटे में s² का गुणांक क्या है, s² का गुणांक है 4, तो बटे में आ गया 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस के 4, फिर बटे में 4, दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आ गया, 1। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, ये भी 1 है और ये भी 1। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, इनका गुणनफल निकालना, तो यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 1/2 × 1/2, इन्हें गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 एकम 1, बटे में 2 दूनी 4, तो
तो शून्यकों का गुणनफल आ गया 1/4। देखिए हमें पता है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा c/a के, जहाँ पर c जो है वो अचर पद है और a जो है वो x² का गुणांक है। ठीक है, अब देखिए अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद है यहाँ पर एक, यहाँ मैं लिख दूंगी 1/2 में। s² का गुणांक क्या है, देखिए s² का गुणांक है 4, यहाँ बटे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, हमें ये बहुपद दिया गया है, ठीक है, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसे ठीक से लिखेंगे, देखिए 6x² ऐसे लिखा, फिर -7x, फिर -3। देखिए सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है -3 और x² का गुणांक क्या है 6, तो देखिए 6 और -3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा -18 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो -18 आए पर जोड़ने या घटाने पर -7 आए, तो देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी है 9 और 2, 9 दुनी 18। ठीक है, पर हमें देखिए -7 चाहिए, ठीक है, तो यानी 9 के साथ माइनस आ जाएगा, यानी माइनस के 9 और प्लस के 2 तो क्या आएगा -7 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा -18। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है x, तो इनके साथ में x लगा दूंगी, -9x और 2x। अब देखिए 6x² ये ऐसे लिखा, फिर -9x, फिर +2x और ये -3। ठीक है, देखिए जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखिए 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा, देखिए ऐसी संख्या देखेंगे जिससे दोनों कट जाए, देखिए दोनों 3 से कट जाते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9, तो यानी 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ x की घात 2 है, यानी x 2 बार गुणा है, और यहाँ x की घात 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पर 1x है, तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन्हें भाग करेंगे, तो देखिए 3 से 6 को भाग करा कितने पे जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 2 आया। अब देखिए यहाँ 2x से 1x बाहर आ गया, तो 1x रह गया अंदर 2x, फिर माइनस, अब 9 को 3 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 3 3 9, 3 पे कटेगा और x हमने बाहर कॉमन ही दे दिया है। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन आए तो वहां 1 कॉमन आ जाता है, तो +1 और अंदर क्या रह जाएगा 2x - 3 ये रह जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी 2x - 3 है और यहाँ भी 2x - 3 है, तो यानी 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3x + 1, ये गुणनखंड बन गए। अब क्या करेंगे, हमें शून्यक निकालना है तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए 2x को तो मैं यही रहने दूंगी, -3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये +3 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x को मैं यही रहने दूंगी, 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, देखिए 2 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 3 के बटे में आ गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, 3/2। अब यहाँ पे देखिए 3x मैं यही रहने दूंगी, 1 प्लस का है, जब इसे बराबर के दूसरी तरफ ले दूंगी तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी, x को यही रहने दूंगी और 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, 3 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उसके बटे में आ जाएगा, यानी -1/3, तो यहाँ x की वैल्यू आई -1/3, तो यानी इसके शून्य क्या आ गए 3/2 और -1/3, तो 6x² -7x -3 के शून्य 3/2 और -1/3 है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया आगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यक है 3/2 और -1/3, इनका योगफल निकालना है यानी इन्हें प्लस करना है, तो 3/2 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -1/3, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3,
अब देखिए यहाँ बटे में दो है और यहाँ तीन है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए दो और तीन का एलसीएम आएगा छ। अब देखिए छह को इस दो से भाग करेंगे, कितने पे कटेगा? दो तीय छह, तीन पे कटा, तीन से ऊपर वाले तीन को गुणा करेंगे, कितना आया? तीन तीय नौ, फिर माइनस का साइन। अब छह को इस तीन से भाग करेंगे, कितने पे कटेगा? तीन दूनी छह, दो पे कटा। अब दो से इस एक को गुणा कर देंगे, कितना आएगा गुणा करने पे? दो ही आएगा, ठीक है। नौ में से दो माइनस करा, कितना आया? सात, और बटे में छह, तो शून्य को का योगफल क्या आ गया? सात बटे छह। अब देखिए हमें पता है कि इस द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य जब अल्फा और बीटा हो तब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, जहां पर b जो है x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है, ठीक है। तो अब हमें यही जांच करनी है कि जो शून्यकों का योगफल हमने अभी निकाला जो कि क्या आया 7/6, क्या वो बराबर है इसके? तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, ठीक है, जहाँ पर b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है? -7 है, तो पहले तो ये माइनस आ गया, फिर x का गुणांक है -7, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर बटे में x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है 6, तो यहाँ बटे में आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7/6। अब देखिए दोनों बराबर आ गए ना, ये भी 7/6 है और ये भी 7/6, यानी शून्यकों का जो योग है वो इसके बराबर आ रहा है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए शून्य क्या है? 3/2 और -1/3, इनका गुणनफल निकाला था, यानी इन्हें गुणा करेंगे तो 3/2 गुणा ब्रैकेट में -1/3, ये दोनों कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1, और बटे में क्या आ जाएगा? 2 और 1 को गुणा करा 2, तो शून्यकों का गुणनफल आया -1/2। तो अब देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि अगर द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक जब अल्फा और बीटा हैं तब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा c/a, जहाँ पे c अचर पद है और a x² का गुणांक है। तो हमें यही जांच करनी है कि जो भी हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला जो कि कितना आया -1/2, क्या वो बराबर आ रहा है इसके? तो अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा c/a के, जहाँ पर c अचर पद है और a x² का गुणांक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये जो बहुपद दिया है इसमें अचर पद क्या है? -3 है, ठीक है, तो अचर पद है -3 बटे में x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है यहाँ पे 6, तो बटे में क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया? -1/2। देखिए दोनों बराबर आ गए, ये भी -1/2 है और ये भी -1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले 3 पार्ट सोल्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।